Now in this sum, at the start of the year there were rupees 24,000. Then 56,000 were added to this, and the entire amount was invested in a bank at 7.5 compound interest. You have to find out the total amount after 3 years. So first of all, the principal that we have to take here, principal will be, initially there were 24,000. You have to add, afterwards 56,000 were added. Okay, so the total amounts to how much? 80,000. Correct? This is the principal. Now the rate of interest is how much? 7.5%. 7.5%, that means it is 7.5 upon 100. And if you reduce this, you can make this 75 upon 1000. डेसिमल पॉइंट आप हटा रहे हो यहाँ से तो डिनोमिनेटर में एक जीरो बढ़ जाएगा. अब देखो 5 15 5 200 है ना, 5 2 10 और ये 10 जीरो. देन 5 3 15 एंड 5 4 20 यानी एक्चुअल हो गया आपका 3/40. आपने 7.5% को कन्वर्ट करें, इज इक्वल टू 3/40. दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. व्हाट इज द पीरियड ऑफ ईयर? एन इज इक्वल टू 3 years. सो फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ओनली, है ना. सो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 रेज टू द पावर एन. अब आपका R अपॉन 100 जो है ये 3/40 मैंने करके दिखा दिया है आपको यहाँ, ठीक है. सो दिस विल बी 80,000 1 + 3/40 रेस टू द पावर 3, यानी ये 80,000 ये हो जाएगा 40 + 3 दैट इज 43/40. How many times? 3 times. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आप, डिनोमिनेटर में 1 है, 41 = 40 एंड +3 दैट मेक्स 43/40. कितने बार है? 3 बार. सो वी हैव रिटन इट थ्राइस. अब आपके तीनों जीरो कट हो गए विद दीज 3 जीरोस, हो गया. उसके बाद 4 1 = 4 20s, फिर 4 1 = 4 5s. अब कैंसलेशन नहीं होता आपका. अब आपको सीधा 5 को ये 3 बार 43 से मल्टीप्लाई करना एंड देन डिवाइड बाय 4. सो लेट अस सी द मल्टीप्लीकेशन नाउ. आई टू विल हैव टू मल्टीप्लाई अलॉन्ग विथ यू, डिवाइडेड बाय 4. हो गया. तो पहले हम ये तीनों 43 को मल्टीप्लाई कर लेते. 43 × 43, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 4 3s are 12, 4 4s are 16 and 1 17. देख लो, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 4 3s are 12 carry 1, 4 4s are 16 and 1 17. ये हो गया 9 4 8 1. फिर से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है बाय 43 से. सो 9 3s are 27 carry 2, 3 4s are 12, 12 + 2 = 14, 8 3s are 24 and 1 25, 3 1s are 3 and 2 5. फिर 4 से 9 4s are 36 carry 3, 4 4s are 16, 16 + 3 = 19, है ना. 8 4s are 32, 32 + 1 = 33 carry 3, 4 1s are 3 ये हो गया 7. तो 7 0, फिर 15, फिर 9 और 7. गेटिंग दैट? सो योर अमाउंट कम्स आउट टू बी प्रेजेंटली द प्रोडक्ट ऑफ 343s आर 79507. ये लिख लेते हम यहाँ पे 5 × 79507 डिवाइडेड बाय 4. अब इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो. इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 5, 5 7s are 35, 5 5s are 25,
9 5s are 45 and 2 47 7 5s are 35 35 plus 4 is 39. So you have now 39 7 5 3 5. You have to divide this by 4. Chalo, let us divide it by 4. Orally nahi jamta hai apne ko, so it is better to do the rough work. So 4 3 jata nahi, 2 digits lena padega, hai na. 4 kitne ja 9 4s are 36, to yahan 36 aa gaya, bacha 3 7 leke aayenge aap, phir 9 4s are 36, bacha 1, phir 5 leke aayenge aap, 4 3s are 12 ho jata, बच्चा 3, फिर 3 निकालेंगे आप, नीचे लाएंगे, है ना. देन 4 हाउ मेनी ज़ा, 4 7 ज़ा 28, 13 में से 8 गए, कितने बचते, ओके 5, यू हैव 5 ओवर हियर. अब आएगा आपका डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट आ गया आपका, तो दैट विल गिव यू हाउ मच 50. जस्ट चेक इट आउट वेदर वी हैव डन द डिवीजन प्रॉपरली और नॉट. 4 9s are 36, बचा 3, यहाँ पे 7, ठीक है. 4 9s are 36, फिर से बचा 1. अब आपने क्या लिए, 5 लिए, यहाँ पे 5 उतारे तो आपका कितना हो जाएगा 15, तो 4 4s are 16 होता, तो 4 3s are 12, बचा आपके पास 3, 3 उतारे, 3 है आपके पास, ये 3 नीचे उतारेंगे आप, सो दैट विल गिव यू 33, 4 7s are 28, 13 में से 8 गए बच्चे 5, ओके. नाउ व्हाट डू यू हैव टू ब्रिंग डाउन, यू हैव टू ब्रिंग डाउन 5, 55, तो 5 ही था आपका. 4 7s are 28, 4 8s are 32 करो यहाँ पे, 8 4s are 32, तो 32 करे आपने तो बचा 1. अब 5 आ गया आपका, 4 3s are 12, है ना, 4 3s are 12, अब बचा आपका 3, 0, 4 7s are 28. इस तरीके से यू विल हैव द आंसर एज 9 9 3 8. Point how much, that will be equal to 3 8, that is equal to 3.75, okay, 0.75. division kare fir se, I can show you the division once again, just a moment. Isme confusion agar hai, once again we will divide. बड़ा से लेंगे हम, 3 9 7 3 7 5 3 5 डिवाइडेड बाय 4. सी हियर, सो 4 9 4s are 36, बचा 3, फिर से 36, बचा 1, है ना. अब क्या आएगा आपका, 5 आएगा, 4 3s are 12, बचा 3, अब फिर ये 3 आ गया, तो 4 8s are 32, बचा 1, 5 आ गया, 4 कितने जा, 4 3s are 12, बचा 3, अब डेसिमल पॉइंट आएगा आपका, हो गया, 4 7s are 28, बचा 2, अब 0 लगाएंगे आप, 4 5s are 20, सो व्हाट डू यू गेट, यू गेट द डिवीजन एज 99383.75. This is the amount that the person will get after how many years? After 3 years. Hope you got the answer.